मैं विजय बाटला आपके चैनल के माध्यम से बरेली की जनता से अपील करता हूँ कि आपके घर में कुछ भी बेकार सामान है वो आप हमें दे दीजिए। आपका बेकार सामान किसी के बहुत काम का है, किताबें, बिस्तर बंद, बिस्तर, कपड़े, जूते, चप्पल, बर्तन, जो भी कुछ आपका इस्तेमाल में नहीं आ रहा है हमें दे दीजिए, हम कैंप लगाकर गरीबों में वितरण करेंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं लगभग 10,000 कपड़े का वितरण हम यहाँ पे किया है, खिलौने, कपड़े, और लगभग 3,000 लोगों का भंडारा यहाँ पे खिचड़ी का चल रहा है। हमारी बस यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े, जिससे हम लोग समाज सेवा कार्य और अच्छी तरह से कर सकें। हाँ, रमेश चंद अग्रवाल, एडवोकेट। मैं कहना चाह रहा हूँ ये सीधा रसोई चालू की है, ये हमने की है 6 दिसंबर 2018 में, जिसमें हम खाना जब बांटते थे पहले, अब हमने साथ में कपड़े काम भी कर लिया है। और ये कपड़ा जो है आप लोग यहाँ से इकट्ठा होता है और इकट्ठा करके सफाई करके उन सबको वितरण कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं, और कम से कम मैं तो हम 20 कैंप लगा चुके हैं कपड़ा बांटने के लिए। और कोई ये कैंप आपका जैन नर्सिंग होम के पास में शिक्षापुर में ओरेंट फर्नीचर के लगा हुआ है, और इस कैंप में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, खाने का भी प्रोग्राम है और साथ में कपड़े बांटने का भी प्रोग्राम है। हमारे पास बहुत से कपड़े ऐसे आते हैं बिल्कुल नए नए कपड़े होते हैं जो आपके यहाँ से होते हैं। ये कोतवाली के सामने दुकानदार हैं, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी और उन्होंने कम से कम 1.5 लाख रुपये का कपड़ा नया बिल्कुल वो हमको दान किया सीधा फिर के लिए, जो कपड़े से हम बांटते रहते हैं बराबर। और शादियाँ होती हैं कन्याओं की, उन कन्याओं में जितना भी होता है हम सामान देते हैं और साथ में ये डिनर सर्विस देते हैं। और इसके अलावा आज भी कोई आ जाए हमारे पास कपड़ा भरपूर है, हमें कोई परेशानी नहीं है। आइए, क्या नाम है आपका? प्रभात किशोर अग्रवाल। क्या कहना चाहते हैं सर? जी क्या कह रहे हैं कार्यक्रम में बताइए, कार्यक्रम क्या हो रहा है? ये कार्यक्रम वस्त्र वितरण हो रहा है, भंडारा सीता रसोई की तरफ से, और महीने में 2 बार कैंप लगते हैं हम लोगों के, और कोशिश ये रहती है कि ज़रूरतमंद को खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज़ों की सुविधा दें। तो मकान तो हम नहीं दे सकते, लेकिन रोटी और कपड़ा जैसे सब ठाकुर जी करवा रहे हैं। कितने लोग का जब तक आज में बांट चुके हैं? ये 1.5 क्विंटल खिचड़ी का भंडारा है, लगभग 3,000 आदमी ने बट जाएगा। कौन कौन समिति में आपकी है शामिल है? समिति में 1500 लोग जुड़ गए हैं और लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। आज कौन कौन उपस्थित है? आज हमारे साथ बाटला जी हैं, अपने मिश्रा जी हैं, वकील साहब हैं, उपाध्याय जी हैं, अपने आ गए हमारे जालान साहब हैं। ये बड़ा परिवार बन गया है। बरेली के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बरेली के लिए यही संदेश है कि आदमी को जब मानव शरीर मिला है, ठाकुर जी ने दिया है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए मानव सेवा के लिए। जो भी आदमी से बन सके, जरूरी नहीं है आदमी तन से सहयोग दे सकता है, मन से दे सकता है, और जिस पर धन है वो धन से दे सकता है, लेकिन इसमें सेवा भाव आदमी में जरूर होना चाहिए। मैं सुधीर उपाध्याय, सीता रसोई महानगर शाखा से। सीता रसोई कपड़ा बैंक का हमारा कपड़ा वितरण और भोजन वितरण के अलावा चाय वितरण का कार्यक्रम भी चलता है। इसके अलावा निर्धन कन्याओं की शादी के लिए भी जो सहयोग सीता रसोई से हो पाता है वो करते हैं। विवाह के लिए जो भी तय कर देंगे कन्याएं और वर पक्ष के लोग, उसमें सीता रसोई पूरा सहयोग करती है। पुस्तक वितरण का भी इसमें सहयोग है, और समय समय पर गरीब मरीजों के लिए आर्थिक सहयोग भी किया गया है, जिसमें ऑपरेशन भी कराए गए हैं। जो लोग नहीं इस कार्य में सक्षम है उनके लिए भी सहयोग करता है सीता। संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि सीता रसोई के माध्यम से अधिक लोग जुड़ें और समाज की सेवा में आएँ। समाज में बहुत बहुत सक्षम लोग हैं, बहुत बहुत बड़े दानकर्ता हैं, वो कृपया हमारे सीता रसोई में जुड़ें और समाज की सेवा करें।